मुझे पता है कि बाहर पे लोग एक दूसरे को मार रहे हैं और उनके घरों में लड़ाइयाँ हो रहे हैं। मैं चाहती हूँ अपने आर्ट के ज़रिए उन लोगों को एक दूसरे को मारने से बचाऊं और दिखाऊं कि मारना ठीक नहीं है और भाईचारा का पैगाम दूं। हमारे मोहल्ले में ये सब हुआ है। मेरे अब्बू ऑस्ट्रेलिया में हैं। मैं तो यहाँ रहना चाहती हूँ मगर यहाँ के हालात ठीक नहीं है, इसलिए वहाँ जाना पड़ेगा। इसलिए हम बाहर जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हालात ऐसे हैं, हमें कब तक हम यहाँ पे बैठे रहे, कब तक हमें मारेंगे। हमारी बसें हम बहुत बहुत हो चुके हैं हमारे साथ, डर के मारे जाते हैं। ऐसे हम जब घर से निकलते हैं तो हमें वापसी का पता नहीं है कि हम वापस आएंगे भी या नहीं आएंगे, कुछ पता नहीं है ऐसे का। If somebody had asked me before the tragedy of my brother, of course I would say that yes, I want to go there. But now I don't have any interest going to Australia. He was younger than me. He had done his FSC from Garrison Academy, and because of the situation of Quetta, he was forced to go. We don't have any financial issues that yes, we live here and we go there, earn money. It was just because we are not safe here, that's why he went. It was 15th of December morning when he called and he informed us that yes, he will be leaving by tomorrow, and he could never reach there and he was drowned on the way. Mom especially, she is in the same hope that yes, my son is missing and he will return one day. But I'm not that fool that it's almost 1 year. 1 year has passed, but again December is coming, so of course there's not even easy for me to say that thing, but that's true, they are not alive. दुख होता है कि क्वेटा के साथ क्या बनी। लोग रिगार्डलेस ऑफ कास्ट, क्रीड, ट्राइब, इन चीज़ों के आपस में घुल मिल जाते थे। हमारे वहम गुमान में भी ये बातें नहीं होती थी कि कोई ऐसा भी वक्त आएगा कि शहर या मीज़ान चौक तक जाते हुए बंदा हिचकिचाए। खूबसूरतियाँ थी, कोई ऐसी बात नहीं थी कि जिससे बेगानगी की बू आए। 80s के दौरान रात को मैं फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट से पैदल सरियाब से मैं घर आ जाता था। मुझे मेरे बच्चों की ज़्यादा फिक्र है। कुछ महीने पहले IT यूनिवर्सिटी के बस पे हमले में मेरा बेटा, जो IT यूनिवर्सिटी के फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट में पढ़ाता था, शदीद ज़ख्मी हुआ और मेरी बेटी भी ज़ख्मी हो गई। आप यकीन करें, अब उसी हादसे के बाद एक तरह से मेरा बेटा जॉबलेस हो गया है, 18 ग्रेड का नौजवान, और मेरी बेटी जो HEC स्कॉलरशिप की स्कॉलर थी और है, अब भी 2-3 दिन बीच में छोड़ के वो यूनिवर्सिटी जाती है और कहती है, बाबा मुझे बहुत ज़्यादा फिक्रमंदी रहती है कि मैं सिर्फ FSC तक कैसे रहूं, मैं क्या करूं, आइंदा मेरी पढ़ाई का क्या होगा। स्केच क्लब का ये वाकई एक दर्दनाक पहलू है कि पिछले दिनों पश्तो स्पीकिंग कम्युनिटी के 2 नौजवान आए वहाँ और मुझे कहने लगे कि हम कुचलाख से आते हैं और हमने सुना है कि आपके यहाँ क्लासें होती हैं और हमें आप अगर एडमिशन दे दें। सिर्फ ये सोचते हुए कि ये 2 नौजवान इतनी दूर से आते हैं
और जो सिचुएशन क्रिएट की गई है, जो हालात बनाए गए हैं, मुझे यकीन नहीं था कि वो मुस्तकिल आ सकते और कोई नाखुशगवार वाक़ा ना होता। तो मुझे इस बात से नहायत दुख हुआ। और पिछले दिनों जब हमारी एग्जीबिशन में वो दोनों नौजवान आए, उन दोनों को मैंने पहले मैंने गले लगा के मैंने कहा, नौजवान, एक वजह ये भी थी, मैं आपसे झूठ नहीं बोलना चाहता, खुदा नखास्ता कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या होता, कोई ऐसी बात होती, तो मैं अपने आप को कभी भी माफ़ नहीं करता। इस मुनासिबत से मुझे एक आपकी इजाज़त से एक शेर याद आ रहा है, शहर तलब करे अगर तुमसे इलाज तीरगी, साहेब इख्तियार हो आग लगा दिया करो। मैं बड़ी होकर दुनिया का सबसे बड़ा आर्टिस्ट जैसे पिकासो की तरह बनना चाहती हूँ। Artists to remove the differences among the society, among the city, among the whole country. इंशाल्लाह करेंगे, अपनी आर्ट के जरिए ही हम बदलेंगे अपनी सोसाइटी को।